सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में फोल्डर बनाना सीखा था, बट आज हम फोल्डर बनाएंगे विद कुछ ऐसे स्पेसिफिक नेम होते हैं जिनका अगर हम फोल्डर बनाएं तो भी नहीं बनते, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका नेम अगर रखूँ AUX, ठीक है, तो ये बनेगा नहीं। स्पेसिफिक डिवाइस नेम इज इनवैलिड, ठीक है ना, तो ये इनवैलिड दिखा देगा। तो मैं ये आपको दिखाऊंगा कि इस नेम का फोल्डर हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए कैसे बनाना है। ये जो बॉक्स है हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर में जाएंगे, देन कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, LRM, RLM, जो भी है, ZW, जो भी है, इनमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं फर्स्ट वाला करता हूँ, कर लिया। अब यहाँ पे हम नेम डालेंगे AUX, ठीक है। अब एंटर मारेंगे तो अब ये बन गया। ऐसी एक फोल्डर का नेम CON, कौन, ठीक है ना। अगर हम उसे भी ऐसी बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा सिंपल में, ठीक है ना। ऐसे कि फोल्डर पे गया, मैंने यहाँ लिखा CON, ठीक है, एंटर मारा, नहीं बना। देन क्या करना है, वही ये जो स्पेस दिख रहा है ना वाइट कलर का, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर में जाएंगे, देन कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे, LRM, RLM, पहले मैंने फर्स्ट वाला किया था, आपके मैं सेकंड वाला करता हूँ, ठीक है ना। अब लिखेंगे CON, ठीक है, कौन, बन गया। तो आज की वीडियो यही थी कि हम इस टाइप के, इस नेम के फोल्डर, जो कि जनरली अगर हम सिंपल वे में बनाएं तो एग्जिट नहीं करेंगे, बट हम उन्हें कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि ये फोल्डर बन गए हैं, ये वर्क भी करेंगे, ठीक है ना। खोला, खुल गया। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।